एवरीवन, हम आपका बेंट्स रूल और बॉन्ड एंगल पढ़ रहे थे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने बेंट्स रूल की जो एक वैरायटी के सवाल होते हैं, एक वैरायटी के सवाल का मतलब क्या है कि आपको ओवरऑल मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के देता है, ठीक है। दो तीन मॉलिक्यूल दे देगा और ओवरऑल मॉलिक्यूल का बोलेगा कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेट करो। तो ये वैरायटी हमने कर ली थी। अब हम चलते हैं तुम्हारी क्या नाम है इसकी दूसरी वैरायटी की तरफ। दूसरी वैरायटी का सवाल ऐसे बनता है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कंपेयर करने नहीं देगा, मॉलिक्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने देगा या बॉन्ड एंगल कंपेयर करने देगा, इस टाइप से, ठीक है। तो इस और जब कभी भी आपका एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने देता है तो उसे हम बेंट्स रूल से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ विद इन अ मॉलिक्यूल और इन अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। डिफरेंट मॉलिक्यूल भी दे सकता है ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड। किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल कंपेयर करने आपको सेम मॉलिक्यूल में भी दे सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी दे सकता है, ठीक है। तो पहले भैया मेरे कॉन्सेप्ट बता दूँ आपको, कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है आपको, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप ऐसा होता है, ठीक है। जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप ऐसा होता है, बस साइज़ बढ़ते जाता है। तो जो sp होता है उसका साइज ऐसा होता है, ठीक है। जो sp2 होता है उसका साइज ऐसा होता है, ठीक है। जो और जो sp3 होता है उसका साइज ऐसा होता है, ठीक है। ये sp2 और ये sp3, ठीक है। जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में ना आपके ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हाइब्रिड बनने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी साइज भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज जो होती है बढ़ती जाती है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ 50% एस कैरेक्टर है, यहाँ 33% एस कैरेक्टर है, यहाँ 25% एस कैरेक्टर है। जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम हो रहा है वैसे वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज भी क्या होती है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ से एक स्टेटमेंट और निकल के आता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कैसे हुआ आप जानते हैं, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जैसे हम दूर जाते हैं तो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से हम हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। जैसे कि ऐसे देखिए ना, यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये सेल होती हैं, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, ठीक है। तो ये हो गया n=1 सेल, ये हो गया n=2 सेल, ये हो गया n=3 सेल। हम जानते हैं कि 3 की एनर्जी तीसरे सेल की एनर्जी दूसरे से ज़्यादा होती है, दूसरे सेल की एनर्जी पहले से ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं हम, ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते हैं या फिर सेल का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है एनर्जी भी उसकी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल के केस में जैसे 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 हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा है मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की जैसे जैसे साइज बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में है और सेकेंड एनर्जी लेवल में है और फर्स्ट एनर्जी लेवल में है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, थर्ड एनर्जी लेवल में n=3 वाले में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद 2 वाले में, उसके बाद n वाले में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, ठीक है, जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल में बिलोंग करता है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, फिर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा,
ठीक है, फिर इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से थोड़े डिस्टेंस पे होगा, ये वाला इतने डिस्टेंस पे होगा और ये वाला इतने डिस्टेंस पे होगा। किसके केस में? इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर में है, इसके केस में। तो न्यूक्लियस से जितने ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, जब भी एनर्जी टर्म्स आए केमिस्ट्री में, ठीक है, एनर्जी टर्म। तो इसको किससे कंपेयर करना? पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से इसको कंपेयर करना, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी? एम जी एच। जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब हाइट बढ़ती जाती है या फिर डिस्टेंस बढ़ता जाता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती है। उसी तरह एनर्जी टर्म, उसी तरह इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो एनर्जी भी उसकी क्या होती है? बढ़ती है। तो जब भी एनर्जी टर्म्स आता है केमिस्ट्री में तो उसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता है उसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाती है, ठीक है। एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी का मतलब होता, बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है आपका कि बॉन्ड की मजबूती, ठीक है। और बॉन्ड की मजबूती कब ज़्यादा होगी? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास होगा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, उस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, और न्यूक्लियस के पास होगा तो न्यूक्लियस का उसका ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, या फिर उस बॉन्ड को तोड़ने में हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब मजबूती, और एनर्जी का मतलब होता है कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ठीक है। एनर्जी का मतलब एनर्जी होता है अनस्टेबिलिटी को शो करता है, और बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। तो ये टर्म्स यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल एस करेक्टर मतलब घटता जाएगा, वैसे वैसे साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे एक्स करेक्टर आपका घटता जाएगा, वैसे वैसे आपका क्या नाम है, आपका एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस टर्म को याद रखिए, ठीक, इस टर्म को याद रखिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बात हम बोल सकते हैं कि बेंड्स रूल को समझने में ये स्टेटमेंट बड़ा बड़ा ही कारगर साबित होगा। कौन सा स्टेटमेंट? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास है, ठीक है, sp हाइब्रिड, उसके बाद sp2 में पास है, उसके बाद sp3 वाले में है, ठीक। तो यहाँ से हम ये एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान दीजिए, पूरा बेंड्स रूल इस पे समझ जाएंगे आप। जो इलेक्ट्रॉन, इतना माहौल जो बनाया है ना इसी स्टेटमेंट को पाने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखिए, जो इस पे ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहता है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ये बात सही है कि नहीं? देखिए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 50%। sp2 में कितना है? 33.33%। इसमें कितना है? 25%, ठीक है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखिए न्यूक्लियस के सबसे पास है, ठीक है, उसके बाद sp2 वाले में है, उसके बाद sp3 वाले में है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास है तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं भाई? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहता है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बात सही है? यहाँ से देख लो, कंपेयर कर लो, ठीक। अब इसी को इन अदर लैंग्वेज हम कह सकते हैं एक और चीज़ कि जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन, इसको हम अदर लैंग्वेज में क्या करेंगे कि जो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, ठीक, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे है, फिर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो यहाँ चला आया, न्यूक्लियस के थोड़ा और पास चला आया, और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के सबसे पास चला है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के देखो पास आ रहा है, वैसे वैसे उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे है, परसेंटेज एस कैरेक्टर
25%, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा कम मतलब न्यूक्लियस के और थोड़ा पास आ गया, तो परसेंटेज एस करेक्टर देखो बढ़ गया 33.33%। ठीक, उसी तरह इलेक्ट्रॉन और थोड़ा पास आ गया तो उसमें देखो परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गया, और बढ़ गया 50%। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहता है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाता है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये स्टेटमेंट दोनों याद रखो, बेंड्स रूल ऐसे ही समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब बेंड्स रूल की तरफ चलते हैं। ओके, बेंड्स रूल की तरफ चलते हैं, और इसमें एक क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होते हैं उसको भी करवा दे रहा हूँ। जैसे कि ऐसे sp2, जैसे sp, ठीक है, sp आपका p, फिर sp आपका d, ठीक है, इस तरीके से आपका देता है कि इनके ओवरलैपिंग से, देखिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो बोलता है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग ओवरलैपिंग आर इन ऑर्डर, मतलब बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेता है कि इनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कितना मजबूत बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं क्या बोला, परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके बॉन्ड एनर्जी के। तो यहाँ देखिए 50% एस करेक्टर है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 50% है, यहाँ पे कितना है, 50% एस करेक्टर है। ठीक, 50% एस करेक्टर है। ओके, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत हो गया, ये पी नहीं होना चाहिए था, एक सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको सही वाला दे देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन, जैसे इस टाइप में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, sp, ठीक है, sp2 एस रहेगा, ठीक है, और sp3 एस रहेगा, इस टाइप में रहेगा। ठीक है, इस टाइप में रहेगा, और आपको बोलेगा कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कंपेयर करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज एस करेक्टर ही निकालना है। यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर 50% है, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर आपका कितना है, यहाँ पे 33.33% है, और यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, 25% है। ठीक है, और एस ऑर्बिटल तो सब में सेम है, तो परसेंटेज एस करेक्टर से ज़्यादा तो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसकी मजबूती भी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह ऐसे आ जाता है आपका sp, ठीक है, sp2 और sp2 ऐसे करके दे देगा, बोलेगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर सेट करो, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर सेट करो। फिर वही मैंने कहा, इसमें 50% एस करेक्टर, इसमें 50% एस करेक्टर, ओवरऑल कितना हो जाएगा दोनों में, 100%। ठीक है, इसमें 33%, इसमें 33%, ठीक है, तो ऐसे निकाल लीजिए 66.66%, और यहाँ 25% प्लस 25% कितना हो जाएगा, 50%। तो परसेंटेज एस करेक्टर ओवरऑल किस में ज़्यादा है, इन सब में, इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें ज़्यादा, तो ऐसे करके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर सेट करते हैं। ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है। आप जानते हैं कि जो पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद से एटॉमिक ऑर्बिटल आके उससे ओवरलैप करते हैं, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करते हैं, उसके बाद ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से एक्सटेंट ऑफ, इसको बोलते हैं इस टॉपिक को एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, बॉन्ड की मजबूती इससे डिसाइड करते हैं। तो ऐसे परसेंटेज एस करेक्टर देख लीजिएगा, बड़ा आसान है। परसेंटेज एस करेक्टर आप जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब बेंड्स रूल आपको समझा दूं। बेंड्स रूल क्या है, देखिए बेंड्स रूल पहले तो ये समझ लीजिए कि बेंड्स रूल लगाएंगे कहाँ, बेंड्स रूल हम कहाँ लगाएंगे। ठीक है, बेंड्स रूल वहीं एप्लीकेबल होता है जहाँ सेंट्रल एटम क्या हो, सेम हो। ठीक, सेंट्रल एटम सेम हो और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, सेंट्रल एटम सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन भी सेंट्रल एटम का सेम हो, और सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट दो पड़ोसी, दो टाइप के पड़ोसी होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट दो टाइप के पड़ोसी होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मीथेन में आपका बेंड्स रूल लगेगा, बेंड्स रूल लग सकता है, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालेंगे तो sp3 आएगा, तीन चार सिग्मा, मतलब चार सिग्मा बॉन्ड रहेगा, जीरो लोन पेयर। ठीक है, जीरो लोन पेयर, ठीक है, सबका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम निकालेंगे तो sp3 आएगा विथ 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। ठीक है, लेकिन देखिए तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेंट्रल एटम क्या है, ठीक है, सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, वो भी सेम है। ठीक, और क्या नाम है, सेंट्रल एटम कंटेन एटलीस्ट टू टाइप ऑफ पड़ोसी, तो यहाँ दो टाइप की पड़ोसी नहीं है, यहाँ एक ही टाइप का पड़ोसी है, वो भी हाइड्रोजन। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम सभी में सेम है,
ठीक, सेंट्रल एटम सभी में सेम है, तो क्या हो, और क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन में sp3 है और पड़ोसी कितने हैं, दो हैं, फ्लोरीन हाइड्रोजन। तो पड़ोसियों की संख्या जो है ना दो टाइप का होना चाहिए, दो टाइप से ज़्यादा होना चाहिए। सेम पड़ोसी हुए तो बेंट्स रूल वहाँ नहीं लगेगा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सेंट्रल एटम सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और पड़ोसी, सेंट्रल एटम के पास जो पड़ोसी हो वो दो टाइप का हो, मिनिमम दो टाइप का। ठीक, तो अब बेंट्स रूल कहता क्या है, बेंट्स रूल कहता है कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बेंट्स रूल का क्या है कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो सेंट्रल एटम के उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ता है का मतलब क्या है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जुड़ने का मतलब होता है बॉन्ड बनाता है, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है। सिंपल सी बात है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ध्यान से सुनो, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की आत्मा क्या चाहती है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम चाहता है कि हम वहां जाएं जहां हमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाए। अरे भाई, कोई अगर प्यासा है तो वहीं जाएगा ना जहां उसको पानी आसानी से मिल जाए। उसी तरह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की जो आत्मा है वो क्या चाहती है कि हम वहां जाएं जहां इलेक्ट्रॉन हमें आसानी से मिल जाए, तो वो वही जाएगा ना जहाँ इलेक्ट्रॉन उसे आसानी से मिल जाए। तो वही स्टेटमेंट बोला हुआ है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वहीं जाता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होने का क्या मतलब है, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल या जिस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। ठीक है, इसको मैं अभी समझा रहा हूँ। ये देखो, जैसे कि मान लो इसका स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने दे दिया, PF3Cl2, इसका स्ट्रक्चर बनाने दे दिया और इसका स्ट्रक्चर PCl3F2। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे जानते हो परसेंटेज एस कैरेक्टर का डिफरेंस ना दो ही टाइप की ज्योमेट्री में होता है, ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री और पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, क्योंकि एक्सियल इक्वेटोरियल टर्म यहीं पे आते हैं। एक्सियल में परसेंटेज एस कैरेक्टर जीरो होता है क्योंकि एक्सियल वाले बॉन्ड कौन से होते हैं, मैंने बताया था पीछे कि PD की ओवरलैपिंग से बनते हैं, PZ और DZ की एक्सियल ओवरलैपिंग से एक्सियल वाले बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट जहाँ आएगा वहाँ ये टर्म यूज़ होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ हम बैठाएंगे। ठीक है, वहाँ सोचना पड़ता है कि कहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, कहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। ठीक, तो एक्सियल बॉन्ड के पास 0% एस कैरेक्टर होता है, एक्सियल बॉन्ड के पास। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जहाँ कम होगा, सो दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गोज टू एक्सियल पोजिशन। इसीलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा कहाँ जाता है, आपकी एक्सियल पोजिशन पर जाता है। ठीक, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, आपका 5 सिग्मा हो जाएगा, 0 लोन पेयर हो जाएगा। इसके पास भी 5 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d आ जाएगा, sp3d आ जाएगा। तो ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, बाईपिरामिडल ज्योमेट्री आ गई। ठीक है, ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल, तो यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर जब बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐसे करके होगा, ऐसे करके ये ज्योमेट्री, ठीक है, और ये ऐसे बॉन्ड होंगे, ये वाले हमारे एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड है, और ये वाले हमारे क्या है, इक्वेटोरियल है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहाँ जाना पसंद करेगा, एक्सियल पोजीशन पे। तो यहाँ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो पहले एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन को बैठाइए। ठीक है, ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, फ्लोरीन को बैठाइए। ठीक, फिर एक और फ्लोरीन बच गया, जब सारे एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाइड हो गए तो और फ्लोरीन बच जा रहा है तो उसे कहीं भी बैठा दो। ठीक है, कहीं भी बैठा दो, अब क्लोरीन बच गया तो क्लोरीन यहाँ लग जाएगा। ठीक, उसी तरह इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए आपका क्या होगा, ज्योमेट्री वही होगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ठीक, यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन को पहले एक्सियल पोजीशन वहाँ जाएगा जहाँ जिस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। ठीक, तो यहाँ एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, एक्सियल पोजीशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर जीरो होता है तो फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, और बचा क्लोरीन तो बचे एटम यहाँ पे चले आएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ऐसा अगर कंपाउंड दे दिया तो XeO2F2, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालो, तो 4 सिग्मा हो जाएंगे, 4 पड़ोसी है, तो जेनॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है,
इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 ऑक्सीजन कितना ले लेगा, 4। और एक फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 फ्लोरीन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन ये सेंटर एटम से ले लिए, तो बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका आ गया sp3d। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बताओगे, मैंने क्या बताया था कि जो भी लोन पेयर होते हैं, ठीक है, जो लोन पेयर होता है वो सबसे ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करता है जहाँ स्पेस क्या हो, ज़्यादा हो, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी जब बनाओगे ना, इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा। स्ट्रक्चर बनाना सीख लो तभी बेंड्स रूल के सवाल हो सकते हैं। स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यही है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक्सियल पोजिशन पर जाएगा और लोन पेयर जो है वो वहाँ जाएगा जहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, लोन पेयर वहाँ जाएगा बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो, तो लोन पेयर को बिठाना है। ठीक, तो जो लोन पेयर वहाँ जाएगा जहाँ क्या हो, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो, जो लोन पेयर है वो कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि ये वाला इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक, उसके बाद लोन पेयर के बाद देखते हैं कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो लोन पेयर के बाद सबसे ज़्यादा स्पेस मल्टीपल बॉन्ड मतलब घेरता है, तो मल्टीपल बॉन्ड को भी वहाँ बैठाते हैं हम जहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो, मैक्सिमम हो। तो डबल बॉन्ड ओ से यहाँ जुड़ेगा ऑक्सीजन, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले को बैठाते हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में बैठाइएगा, पहले लोन पेयर को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को। ठीक है, लोन पेयर सबसे ज़्यादा स्पेस घेरता है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद आपका सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए कि लोन पेयर आप जानते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, और उसके बाद बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है, और इसमें भी लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर के बीच और मल्टीपल बॉन्ड के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मल्टीपल बॉन्ड होंगे उनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ये रिपल्सन का ऑर्डर होता है। ठीक है, ये रिपल्सन का ऑर्डर होता है। पॉसिबिलिटी बनानी है कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ जाता है, बॉन्ड पेयर में डबल बॉन्ड भी होता है, मल्टीपल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, तो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होगा, और उसके बाद लोन पेयर सिंगल बॉन्ड में। फिर उसके बाद सीक्वेंस क्या बैठेगा, बॉन्ड पेयर में मल्टीपल बॉन्ड के बीच बॉन्ड रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा इनके केस में। ठीक है, और मल्टीपल सिंगल बॉन्ड उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। ठीक है, कि लोन पेयर को सबसे पहले बैठाइएगा और वहाँ बैठाइएगा जहाँ आपका क्या बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद आपको क्या सिंगल बॉन्ड वालों को। ठीक, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वहाँ जाता है जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, मतलब एक्सियल पोजिशन पर जाएगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर बनाना आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट इसका पढ़ लेते हैं। ठीक, तो जहाँ आपका एक्सियल इक्वेटोरियल का टर्म आएगा वहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा बेंड्स रूल का, कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कम हो। ठीक है, और एक्सियल पोजीशन पे परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर 0 होता है, सो दैट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वहीं जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगर मान लो सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर सेम हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर सेम हो, मतलब ये सारी जो ज्योमेट्री होती हैं sp2 sp3 ये सारी होती हैं, तो इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं sp के पास, और दोनों में 50% एस कैरेक्टर रहता है। sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में 33% परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, और इसके पास 4 होते हैं और चारों में 25% एस कैरेक्टर होता है। तो ऐसा केस आ गया कि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो जिस भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ेगा, ठीक है, जिस भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ेगा, ठीक है, तो उस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे भी जुड़ेगा उस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, बोरॉन से इधर फ्लोरीन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 आता है, क्या, और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर
सेम होगा, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ गया, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा इसको अपनी ओर खींच लेगा, ठीक, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो बोरोन इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बोरोन अपनी ओर खींचेगा, इनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बोरोन अपनी ओर खींचेगा, बोरोन से फ्लोरिन खींच रहा है, फ्लोरिन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो बोरोन से फ्लोरिन खींच रहा है, अब बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ रही है तो बोरोन क्या खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा, क्योंकि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और मैंने आपको दो यहाँ टर्म्स लिखवाए हैं, इसलिए मैं बोला बेंड्स रूल को समझने में ये दो बातें आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी, कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहता है उसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा होता है, यहाँ देखिए, यहाँ देख लिया हम। और एक टर्म मैंने और बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा रहा है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा रहा है मतलब उसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो भी सेंट्रल एटम होता है ना, इसको न्यूक्लियस मानो तुम लोग, इसको न्यूक्लियस माना जाता है, ठीक। अब देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरिन क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ता है सेंट्रल एटम के, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल या उस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, दूर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है तो उसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कम हो जाता है तो बॉन्ड एनर्जी उसकी कम हो जाती है, बॉन्ड एंगल भी उसका कम हो जाता है, और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है उस बॉन्ड की। इस टर्म को समझो, मैंने इसलिए बोला कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है उसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अदर वर्ड में मैंने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर क्या है, बढ़ रहा है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर याद रखना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का देखो, इसमें आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, ऐसे दूर जा रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर भी कम हो रहा है, ठीक है। दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना, जो लैंग्वेज को बदल बदल के बोलना सीख जाए या समझना सीख जाए ना, उसको भाई मेरे दिक्कत नहीं हो सकती। तो इस बात को याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो उस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ भी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो परसेंटेज, जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है उतना, मान लो इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर 6% कम हो गया, 6% का, अब ये 6% इक्वली इसमें बढ़ जाएगा, अदर हाइब्रिड सेंट्रल एटम के अदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना उनमें ये 6% इक्वली बढ़ जाएगा कि बैलेंस बना रहे, ठीक है। और क्यों बढ़ जाएगा, जैसे देखो, जैसे ये फ्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आती है, तो ये बोरॉन क्या करता है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को अपनी पास बुला लेता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी पास बुला लेता है, और इक्वली पास बुलाता है, इसीलिए देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पास आ गया, इलेक्ट्रॉन पास आ गया तो क्या हो गया, ठीक है, इसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर बढ़ गया, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर बढ़ गया, समझ में आए, इसमें दूर गया तो इसमें घट गया, इसमें पास आ गया तो इसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर बढ़ गया। तो इसलिए बोला गया है कि जितना परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कम होता है वो इक्वली अदर सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल या बॉन्ड में बढ़ जाता है, तो इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 3% यहाँ बढ़ जाएगा और 3% इस बॉन्ड में बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बताओ यार, ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बताओ, बात बड़ी सिंपल है, ये सीख गए, बेंड्स रूल पूरा ख़त्म। इतना माहौल बनाया हूँ इसी चीज़ के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कम हो जाएगा न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर उसमें बढ़ जाएगा, अभी मैंने समझाया, और जितना परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कम होता है, ठीक है, जितना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इसमें 6% कम हुआ है तो इसमें 3-3% बढ़ गया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पास आ जा रहे हैं, ठीक। सवाल करवाऊँ अब, ओके, सवाल करवा रहा हूँ, ठीक।
ठीक है। तो ओवरऑल जितनी भी राम कथा मैंने कही है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बातें याद रखना, पूरे डीपली याद रखना, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस भी बॉन्ड से जुड़ा होगा उस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है मतलब क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से दूर चला आता है, दूर चला आता है मतलब न्यूक्लियस से दूर चला आता है, न्यूक्लियस से दूर चला आएगा तो उसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। और तो जितना परसेंटेज एस करेक्टर उस बॉन्ड में कम होगा उतना ही परसेंट वो उतना परसेंटेज एस करेक्टर सेंट्रल एटम के अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल में इक्वली क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, यही एक बात याद रखना, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, कंपेयर बॉन्ड एंगल फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड एंगल, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को एक्स बता रहा है, इस बॉन्ड के बॉन्ड एंगल को वाई बता रहा है, पूछ रहा है इसमें बॉन्ड एंगल एक्स वाला ज़्यादा होगा कि वाई वाला ज़्यादा होगा। तो देखो यार, जो बॉन्ड सेम हो उसको भूल जाओ, जो डिफरेंट है उसको देखो, ठीक है। तो ये देखो फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अगर इससे जुड़ेगा तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गए तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। वही देखना है किस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, किस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम कर देगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है सेंट्रल एटम से तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उस बॉन्ड में। उसी तरह इसको भी देख लो, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। ये वाले ले लो, इसमें क्या है आपका, कंपेयर बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ का अभी मैं सवाल कराऊंगा, पहले बॉन्ड एंगल का करवा दूँ आपको, पहले बॉन्ड एंगल का। ओ ये बॉन्ड एंगल वाला ना, इसमें भी बॉन्ड लेंथ ही कह रहा, इसमें आपका कंपेयर ए एक्स बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड एंगल वाला मैं अपनी ही, ठीक है, चलिए बॉन्ड लेंथ का भी करना शुरू कर देते हैं, ओके। कंपेयर बॉन्ड लेंथ फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, तो दिया हुआ आपका एक्स, इसको इस बॉन्ड को एक्स दे रहा है, इस बॉन्ड को वाई दे रहा है। ओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है और लोन पेयर, अरे यार एक कॉन्सेप्ट तो मैं बताना ही भूल गया आपको, ध्यान से सुनिए। जैसे कि एक बात है ध्यान रखिए कि लोन पेयर जो होता है ना, मान लीजिए अगर कोई एटम ए है, इससे आपका लोन पेयर जुड़ा हुआ है, इससे आपका डबल बॉन्ड बी जुड़ा हुआ है और इससे सिंगल बॉन्ड सी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, लोन पेयर जो होता है वो एक ही न्यूक्लियस से बंधा होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस से बंधा होता है, ठीक। और वो लोन पेयर पे हक किसका होता है, सेंट्रल एटम का हक होता है, ठीक। तो लोन पेयर सेंट्रल एटम से सट के रहता है, मतलब सेंट्रल एटम के सबसे पास रहता है, ठीक है, लोन पेयर के सेंट्रल एटम के सबसे पास रहता है, ठीक। उसके बाद से तो लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम के सबसे पास रहेगा तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में मिलेगा, लोन पेयर में मिलेगा, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस पे एक ही ये एक ही न्यूक्लियस से बंधा होता है, ठीक है, और सेंट्रल एटम, और मैंने क्या कहा, सेंट्रल एटम को क्या मानो, न्यूक्लियस मानो, न्यूक्लियस मानो, तो सेंट्रल एटम्स के पास रहेगा मतलब न्यूक्लियस के पास रहेगा, न्यूक्लियस के पास रहेगा तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो लोन पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद से देखो, जो बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर में मल्टीपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, वो सिंगल बॉन्ड से क्या होती है, कम होती है, ठीक। मल्टीपल बॉन्ड में जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो न्यूक्लियस से बंधे होते हैं ना, तो ये सेंट्रल एटम के ज़्यादा पास भी नहीं आ सकते, ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते, ठीक है। ये थोड़ा खींचेगा तो ये भी अपने जोर लगा के थोड़ा खींचेगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बीच में ही कहीं बंधा रहता, मतलब बना रहता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर के बीच में, तो जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। बॉन्ड लेंथ कम होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस के क्या होगा, ज़्यादा पास होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के पास होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होगा, ठीक। तो लोन पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ठीक। इस बात को याद रखो, बहुत अच्छे टर्म्स हैं, ठीक है। लोन पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा क्यों, कि लोन पेयर एक ही न्यूक्लियस से बना रहता है, मतलब सेंट्रल एटम के पास रहता है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के पास रहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के पास रहता है, न्यूक्लियस के पास रहता है तो उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। बॉन्ड पेयर में क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस के पास रहेगा मतलब उसमें एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक ठीक।
और इसको एक लैंग्वेज के फॉर्म में हम और कह सकते हैं, ये तो हो गया परसेंटेज एस कैरेक्टर का, एस कैरेक्टर का मतलब ऑर्डर। इसको एक लैंग्वेज में हम और कर सकते हैं कि अगर किसी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक, मैंने क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो मतलब उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना न्यूक्लियस के धीरे धीरे पास आता रहता है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा लोन पेयर में बढ़ मतलब सबसे ज़्यादा हो जाता है। और वो परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ से आता है, अदर बॉन्ड पेयर से ही, अदर बॉन्ड पेयर से ही परसेंटेज एस कैरेक्टर खींचता है। अगर ए जैसे कि यहाँ से बी से इलेक्ट्रॉन चला गया एफ के पास, ठीक है, तो अदर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, अदर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, ठीक। उसी तरह अगर ए के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, तो अदर बॉन्ड में अदर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे, रिपल्सन की वजह से थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे। तो इसमें अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर में सबसे ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे, ठीक ठीक। तो लोन पेयर सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर बॉन्ड पेयर से खींच लेता है। पास आने का मतलब क्या है, जैसे लोन पेयर पास आता है तो ये थोड़ा थोड़ा खिसकने लगते हैं इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक, खिसकने लगते हैं, मतलब क्या हो गया, एस कैरेक्टर इसमें कम होने लगता है, ठीक है, एस कैरेक्टर इसमें कम होने लगता है, ओके। तो लोन पेयर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर खींचते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। इस टर्म को समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ यार, सिंपल है, बस लैंग्वेज को ध्यान दो, ठीक है। लोन पेयर जो होता है वो न्यूक्लियस के पास आता है, और जो न्यूक्लियस के पास आता है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर कहीं बढ़ रहा है तो दूसरी जगह घट भी रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ से अदर बॉन्ड से वो परसेंटेज एस कैरेक्टर खींचता है, ठीक है, पास आता है तो अदर बॉन्ड से परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, बैलेंस बनता रहेगा, आपका बैलेंस बनेगा, अगर कहीं बढ़ रहा होगा तो दूसरी जगह घट रहा होगा, अगर कहीं घट रहा है तो दूसरी जगह बढ़ रहा होगा। तो लोन पेयर पास आ रहा है इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर उसमें बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो अदर बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड में भी यही होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ठीक। इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से करते हैं, यही क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट बॉन्ड लेंथ फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, सारे देखो सराउंडिंग एटम सेम है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये वाला क्या हुआ आपका, ये किससे जुड़ा हुआ है, आपका लोन पेयर है, ठीक, लोन पेयर है। तो मैंने क्या कहा, लोन पेयर जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है, मतलब लोन पेयर सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर खींचता है। तो लोन पेयर सब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा खींचता है तो इन बॉन्ड से एस कैरेक्टर को खींच लेगा, ठीक है, तो इन बॉन्ड से एस कैरेक्टर को सब खींच लेगा तो एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में कम होगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड जो होता है लोन पेयर से कम एस कैरेक्टर को खींचता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इसकी अपेक्षा थोड़ी दूर रहते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड एस कैरेक्टर खींचेगा, बात सही है, ठीक है, इस बॉन्ड से एस कैरेक्टर खींचेगा, लेकिन उतना नहीं खींचेगा जितना लोन पेयर खींचता है, ठीक है, ठीक है। तो एस कैरेक्टर यहाँ भी कम होगा लेकिन इसकी अपेक्षा कम कम होगा, ठीक है, तो एस कैरेक्टर यहाँ सबसे ज़्यादा कम हुआ इस बॉन्ड में, और इसमें थोड़ा कम कम हुआ। एस कैरेक्टर जहाँ कम होता है, ठीक है, एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कम होता है वहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो एस कैरेक्टर यहाँ कम है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वाई वाई जो होगा वो ज़्यादा होगा एक्स से। बात समझ में आ रही, इसको याद रखो यार, ये मैं बोला हूँ ना लोन पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब लोन पेयर परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा खींचता है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ठीक। ऐसे ही एक सवाल यहाँ भी कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक, और सारे एटम क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए कह रहा है, बॉन्ड लेंथ, ओ सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो यहाँ बेंड्स रूल नहीं लगेगा, सीधे कंपेयर कर लो ना, सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो एस ई एफ फोर है और एस एफ फोर है, ठीक, क्या हो गया तुम्हारा, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाएगा, लोन पेयर भी सेम आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो, बॉन्ड एंगल ये ज़्यादा होगा, ठीक है, एस एफ फोर, तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल परसेंटेज, बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज एस के, तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो जाएगी, ठीक, तो इसकी बॉन्ड वाई की बॉन्ड लेंथ कम हो गया एज़ कम्पेयर टू एक्स, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। और ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, तुम देखो फ्लोरीन है, ठीक, और यहाँ क्या है, यहाँ भी फ्लोरीन है, सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू सेलेनियम, तो फ्लोरीन सल्फर से ना, सल्फर से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा
ठीक है, वो थोड़ी देर खींचेगा, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना सेलेनियम से थोड़ा ज़्यादा दूर खींच लेगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना थोड़ा ज़्यादा फ्लोरीन के करीब रहेंगे और इसमें थोड़ा कम फ्लोरीन के करीब रहेंगे, तो ज़्यादा दूर रहेंगे यहाँ पे फ्लोरीन के करीब रहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, न्यूक्लियस से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो उसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ में सबसे ज़्यादा भी बढ़ गई, ठीक है। कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, यही ध्यान देना है, सिंपल है, बस इन सब चीज़ों को ध्यान दो, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जैसे कि H2O2 में और H2F2 में OO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी की ओर खींचेगा तो इसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कम हुआ वो अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल में बढ़ जाता, यहाँ कम हुआ तो यहाँ बढ़ जाएगा, उसी तरह यहाँ भी फ्लोरीन खींचेगा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर यहाँ कम होगा और यहाँ परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम तो हाइड्रोजन खींचता नहीं है, ऑक्सीजन ही खींच लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा तो इसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है, इसमें बढ़ाने वाला परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कोई है ही नहीं, तो इस बॉन्ड में देखो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर बढ़ जा रहा है, ठीक, बढ़ जा रहा है, तो इस वाले बॉन्ड की जो इस वाले O2F2 में जो बॉन्ड है OO बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू, ठीक है, OO बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसके H2O2 के, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO इन H2O2, ठीक है, इसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर बढ़ जा रहा है इसलिए, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ठीक उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होगी भाई, इसमें ज़्यादा होगी OO बॉन्ड की, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर बढ़ नहीं रहा, ठीक है, बढ़ नहीं रहा तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर बढ़ जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी, ठीक है। एक सवाल और ले लो ये, ठीक है, कौन सा, ये वाला जो मैंने लिया था PCl3F2 और PCl2F3, इसमें जो है ना PCl इक्विटोरियल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, और क्या कंपेयर कर लो इसमें, और क्या बन सकता है आपका, हाँ बॉन्ड एंगल ऑफ PCl ऐसे करके बॉन्ड एंगल को भी दिखाते हैं, इसके बॉन्ड एंगल को भी कंपेयर करो इन दोनों कंपाउंड में, तो कैसे कंपेयर करना है ध्यान से सुनो, बता रहा हूँ, ठीक। स्ट्रक्चर पहले बनाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ फास्फोरस होगा, इधर फ्लोरीन और इधर क्लोरीन, ठीक। स्ट्रक्चर आपको बना के देगा, डोंट वरी, और नहीं भी बना के दे सकता, ठीक है। यहाँ फास्फोरस होगा, यहाँ फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, एक्सियल पोजीशन है, कोपाइड करेगा और इधर फ्लोरीन हो जाएगा, इधर क्लोरीन। क्या बोल रहा है, PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ, तो PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड ये है, PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड पे जो सेम है उसको छोड़िए, यहाँ पे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसमें आपका क्या है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन अगर इसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कम करेगा तो जो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कम करेगा तो इसमें बढ़ेगा, तो इस वाले इक्वेटोरियल PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ बढ़ाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ बढ़ाने वाला कोई नहीं है, सारे क्लोरीन क्या है, सेम है, तो एस कैरेक्टर अगर इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस वाले मॉलिक्यूल की जो PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड होगी, इस वाले मॉलिक्यूल की PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ये मॉलिक्यूल 2 ले लो, इसको 1 ले लो, ठीक है, तो मॉलिक्यूल 2 की जो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी PCl की, वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू 1 होगी, क्योंकि 2 में आपका एस कैरेक्टर बढ़ जा रहा है, फ्लोरीन यहाँ कम कर रहा है तो जितना कम होता है वो अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल में बढ़ जाता है, तो ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का अपोजिट हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ अपोजिट हो जाएगी, जैसे बी
बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, वन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, वन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टू, ठीक है। और इसमें बॉन्ड एंगल भी कंपेयर करने, देखो सी एल पी सी एल बॉन्ड एंगल कंपेयर करने दे रहा है, जैसे ए लो लो सी एल पी सी एल बॉन्ड एंगल, और यहाँ सी एल पी सी एल बॉन्ड एंगल। तो देखो यहाँ इस वाले बॉन्ड में क्या हो, परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसमें परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। तो पी सी एल पी सी एल बॉन्ड एंगल जो होता है वो किस में ज़्यादा है, एज कैरेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड एंगल जो है वो सेकेंड मॉलिक्यूल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट मॉलिक्यूल। ऐसे कंपेयर करते हैं, सिंपल होता है, बस टर्म्स को याद रखो यार जो बताया हूँ, बहुत ही सिंपल होता है एक, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करते हैं चीज़ों को, और क्वेश्चन चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक बढ़िया क्वेश्चन करवा देता हूँ एडवांस लेवल के लिए, ठीक है। एडवांस वालों का भी थोड़ा दिल रख लें, एडवांस वालों का दिल नहीं रखें तो भैया मेरे वो नाराज़ हो जाएंगे, ठीक। तो देखो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जैसे कि पी फोर ओ सिक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, और पी फोर वो टेन मॉलिक्यूल है, ठीक, ये दोनों मॉलिक्यूल है। इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ओ पी ओ जो बॉन्ड एंगल है वो अल्फ़ा है, ठीक है, और इसमें जो ओ पी वो बॉन्ड एंगल है वो बीटा है, ठीक। और इसमें, इसमें कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ को डी से ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ पी ओ पी ओ पी बॉन्ड क्या होगा, वो एल वन मान रहा है, और बॉन्ड लेंथ ऑफ, इसमें जो बॉन्ड लेंथ ऑफ पी ओ पी बॉन्ड है वो उसको एल टू मान रहा है। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ये कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड एल वन इज ग्रेटर देन एल टू, ठीक। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा और एंड क्या दे रहा है, एल वन इज लेस देन एल टू। सी ऑप्शन में क्या दे रहा है आपका, अल्फा इज लेस देन बीटा एंड एल वन इज ग्रेटर देन एल टू, और डी ऑप्शन में आपका दे रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड एल वन इज लेस देन एल टू। इस तरह के ऑप्शन बनाए हुए हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। जैसे P4O6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर बनाने का रूल बताऊँगा, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फास्फोरस यहाँ, फास्फोरस यहाँ, हर एक फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है, हर एक फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ भी फास्फोरस है तो यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ भी फास्फोरस है तो यहाँ भी ऑक्सीजन होगा। इसके पास क्या होता है, एक एक लोन पेयर होता है, एक एक लोन पेयर होता है हर एक फास्फोरस के पास, ठीक। और P4O10 का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, ठीक है, तो ऐसा ही होगा हर एक फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से हम सारा स्ट्रक्चर बनाना सिखा देंगे आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने की टेंशन ना लीजिए, सारा स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, देखिए P4O10 का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका ओ पी ओ बॉन्ड एंगल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ पी ओ बॉन्ड एंगल अल्फा इसमें बता रहा है P4O6 में, और ओ पी ओ बॉन्ड एंगल बीटा बता रहा है, तो ओ पी ओ मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो, स्ट्रक्चर बना लिए बड़ा आसान। लोन पेयर मैंने क्या कहा, सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर खींचेगा, एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अपने में खींचेगा, तो इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम हो जाएगा। बॉन्ड पेयर मल्टीपल बॉन्ड मैंने क्या बताया, लोन पेयर की अपेक्षा कम परसेंटेज एस कैरेक्टर खींचता है, तो इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर इसके अपेक्षा, ठीक है, ये थोड़ा एस कैरेक्टर कम खींचता है, ठीक है, तो इसमें एस कैरेक्टर कम खींचेगा तो इसमें एस कैरेक्टर थोड़ा कम कम होगा, ठीक, ठीक है। तो क्या हो, देखो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है क्योंकि लोन पेयर खींच रहा है, तो ओ पी ओ बॉन्ड एंगल यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा बता रहा है, तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम कम हो रहा है, तो बीटा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अल्फा,
बॉन्ड एंगल में, क्योंकि यहाँ एस कैरेक्टर यहाँ लोन पेयर खींच रहा है, लोन पेयर ज़्यादा खींचता है एस कैरेक्टर, तो इस बॉन्ड से एस कैरेक्टर खींच लेगा, एस कैरेक्टर खींच लेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहली चीज़ निकल के आया। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है यार, दूसरी चीज़ इसमें पूछ रहा है आपका ओ पी ओ नहीं, बॉन्ड लेंथ ऑफ पी ओ पी बॉन्ड, पी ओ पी बॉन्ड इस बॉन्ड की। तो यहाँ पे सेम ही है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर यहाँ खींच रहा है, तो लोन पेयर ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर खींच लेगा तो इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम यहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर यहाँ कम होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ओ पी ओ बॉन्ड लेंथ का, ठीक है, बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होगी, इस पी फोर ओ सिक्स में सबसे ज़्यादा एस कम ज़्यादा होगी इस एज़ कम्पेयर टू इसके ओ, सॉरी यार, पी ओ पी बॉन्ड लेंथ क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पी ओ पी इसकी बॉन्ड लेंथ को क्या दिया है यहाँ पे, इसकी बॉन्ड लेंथ को आपको दिया हुआ है L1, इसकी बॉन्ड लेंथ को L1 दिया है, इसकी बॉन्ड लेंथ को L2 दिया हो, तो L1 इज़ ग्रेटर देन क्या है, L2 है, ठीक है। तो आंसर ऐसा कौन सा दिख रहा है, बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा एंड L1 इज़ ग्रेटर देन L2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। वही आपको ध्यान में रखना है कि कौन खींच रहा है तो कहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। लोन पेयर सबसे ज़्यादा खींचता है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड खींचता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और एक बात ये याद रखनी है कि जितना एस कैरेक्टर खींचेगा उतना किसी ना किसी में घटेगा, ठीक है। जहाँ कहीं अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो दूसरे में घट रहा होगा, दूसरे में घट रहा है तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा। तो इस तरह के से आप याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो दो ही बात हमेशा मैंने कहा है बेंड्स रूल में आपको याद रखना है कि ये कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वहाँ जाएगा जिस हाइब्रिड में एस कैरेक्टर कम होगा, और एस कैरेक्टर डिफरेंट इसी दो ज्योमेट्री में होता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर सेम है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जिससे जुड़ा होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो जितना कम हुआ वो अदर सेंटर एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो, बैलेंस बना रहे। तो ये होता है आपके बेंड्स रूल। अगर आप इस पर और क्वेश्चन चाहते हैं मैं लगवा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। वैसे मैं क्वेश्चन अभी मैं आपको इस पर दूंगा, ठीक है। तो जितना बताया हूँ बस उतना ध्यान में रखिए, समझाने की तो पूरी कोशिश किया हूँ, कितना समझ में आया यार जरूर बताना, ठीक है। सिंपल टॉपिक है, इसमें दो ही तीन टर्म याद रखने हैं, लेकिन माहौल बनाने में बड़ा समय लग जाता है इसीलिए, ठीक है। तो माहौल बनाने में की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में कैसी डालनी है वो सब माहौल बनाया हूँ, इसको याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जैसे पास आएगा आपका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल याद रखना, ठीक है। तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो नॉर्मली समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कैसा कितना परसेंट समझ में आया, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने दो। जय हिंद, जय भारत।